ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुरुप्रसाद जप आध सच जोगाध सच है पी सच नानक होशी पी सच दोए कर जोड़ मांगो एक दाना दोए कर जोड़ मांगो एक दाना साहिब तुठ पावा सास सास नानक आराधे आठ पहर गुण गावा ना हौं जती सती नहीं पढ़या मूरख मुगदा जन्म भया परणवत नानक तिन की शरणा जिन तू नाही विसरया परणवत नानक तिन की शरणा जिन तू नाही विसरया परम सम्मान योग जुगो जुग अटल साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी विच तीसरे इस दीवान दी हाजरी आप जी ने सारा दिन भरी संध्या दे दीवान प्रारंभ हो लगे ने आओ करो कृपालता बख्शे हुए समय अंदर रह के जितनी कु सूझ धन गुरु ग्रंथ साहिब जी बख्शनगे और आप संगत रहमत करोगे ओ विचारा आप नल सांझियां कीतियां जानगियां यतन करिए इस मन नू टिका के गुरु के शब्द विच जोड़न दा विचार तो पहला गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह उस महान महापुरुष दी याद अंदर आप जी
निरंतर गुरु शब्द, गुरबाणी और गुरमत नाम नल जुड़े हो। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अमृत बाणी पढ़दे हां, चार गल्लां बड़ियां स्पष्ट समझ विच पैंदियां ने। जे किसी मनुख नूं आपां सिर्फ चार शब्दां विच, चार पंक्तियां विच ये गल समझानी चाहिए कि गुरु ग्रंथ साहिब दे विच है की, आपां नमस्कार करने हां ते जे कोई प्रश्न करे भी गुरु ग्रंथ साहिब विच है कि अन मत वाला, जितनी कु सूझ साहिब ने बख्शी चार बचन गुरु ग्रंथ साहिब विच वार वार मिलणगे। पहली गल कि गुरु ग्रंथ साहिब विच सच दी व्याख्या है, दूसरी कि सच नूं पाण दा वसीला दसिया है, तीसरा जिन्हां ने सच नूं पालिया उन्हां दी उपमा कीती गई, ते चौथे ओ लोक ने जिन्हां मनुखा जन्म तां लिया पर सच पाण दे मुकाम तक ओ पहुँच ना सके। सच दी व्याख्या, सच नूं पाण दा वसीला, जिन्हां ने सच नूं पाया उन्हां दी सिफत, ते जिहड़े सच पाण तों विरवे रह गए उन्हां दे जीवन नूं हजूर ने बाणी विच बयान कीता है। इसे अधीन की जिन्हां ने सच नूं पाया उन्हां लई गुरु ग्रंथ साहिब ने कुछ शब्द चुन के अमृत बाणी विच दर्ज कीते। उन्हां लई शब्द वरत्या गया भगत, उन्हां लई शब्द वरते गए ब्रह्म ज्ञानी, उन्हां लई शब्द वरते गए साध, उन्हां लई शब्द वरत्या गया संत, ओही शब्द वरत्या गया गुरसिख, ते उन्हां लई शब्द वरत्या गया गुरमुख। गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी ने एक एक शब्द की फिर व्याख्या की तीक है। जदों हजूर दे अमृत बचन आपां पढ़ने हैं, जे पुछिए महाराज कि संत की परिभाषा की है, ते गुरु ग्रंथ साहिब दा शब्द बोल के संत की व्याख्या करनगे। ब्रह्म ज्ञानी दी, साध दी, भगत दी, गुरमुख दी, गुरसिख दी परिभाषा गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है। पर चेते रखो, ओ परिभाषा वाले शब्द पढ़ने सकारथे तां ने कि जे उस शब्द नूं पढ़ के किसी ने अमली जामा पहन लिया है, जे किसी ने ओहदे ते अमल कीता है। हुण भगत शब्द गुरु ग्रंथ साहिब विच बड़ी बारी आया है, ते भगत दी व्याख्या बाबा फरीद साहिब जी ने बड़े सरल शब्दां विच कीती, ते हर एक इंसान नूं भगत दी व्याख्या समझ पै जाए। भगत साहिब बाबा फरीद जी ने बचन कीता है कि भगत असल विच ओह है कि जिस कोल मत दा कोट है, मत दा किला है, जिस नूं रब ने मत बहुत दित्ती है, पर इन्नी उच्ची मत होण दे बावजूद भी जदों गुरु दे सामने आउंदा है कदी अपनी मत दा प्रगटावा नहीं, हर वेले झोली अड के भगत परमेश्वर तो तां भी समाति मंगी जांदा है। मत है पर इयाणा बन के आउंदा है, उस कोल ताकत बहुत है। जे प्रभु कहे कि एक वारी तू अपनी जबान तो कहे मैं धरती नूं टेढ़ियां कर सकना, इन्नी ताकत होण दे बावजूद भी वह नितााणा बन के रहिंदा है। ते प्यारिओ, जे उहदे कोल सुक्की रोटी है, भगत नूं वंडन की जाच है, केवल सुक्की रोटी नहीं एक तिल मिले ते तिल नूं भी घोल के वह लो संगत नूं जग्यासुआं नूं पिया देंदा है, ते ये गल दृढ़ करा देंदा है कि भगत अद्धी तो अद्धा टुकड़ा भी रोटी का वंड के खांदा है। तीन गुण ने भगत दे, सह बाबा फरीद जी ने तिने बचन कह कहन लगे, मत खूंदी होए इयाणा, तान खूंदा होए नितााणा, अण खूंदा आप वंडाए, कहन लगे कोई ऐसा भगत सदाए। जिदे कोल ये तीन लक्षण ने, अमली जामा है जिसदा, उन्हूं भगत किया जाता है। हे सच्चे पातशाह के आप किरपालता करो, फिर साध की परिभाषा की है। भाई साहब भाई गुरदास की रचना विच एक अर्ज करदे हां, उन्होंने एक तुक विच साध का जीवन दसे,
ਭਾਵਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਅਗੰਮ ਅਗਾਧ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ ਜੋ ਜੋ ਕਹੇ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਹੋਏ ਸੁਣ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਤੁੱਕ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਧ ਉਹ ਵੇ ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਸਾਧ ਸਾਧ ਸਦਾਇਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਸਾਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨੌ ਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਿਆ ਹੈ, ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਸਾਧਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਾਧ ਹੈ। ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਸਾਧ ਸਾਧ ਸਦਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਦਾਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੇ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸਣੀ ਸੁਖੈਣ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਰੱਬ ਦੀ ਅਤੇ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਠਿਨ ਘਾਲਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁੱਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਖੈ ਏਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਭਗਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤੁੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਦਰਿਆਓ ਵਿੱਚ ਮੀਨ ਕੁਲੀਨ ਖੇਤ ਨਿਰਬਾਣੀ ਉਹਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਮੁਖ ਵਰਤੇ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁੱਖ ਫਲ ਪਿਰਮ ਰਸ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਣ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਕੌਣ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਵੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਧਿਆਵੈ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਲੋਕ ਆਪ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਠ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਟਿਊਕ ਮਾਤਰ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲੱਛਣ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪੈਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਉਥਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ ਉੱਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਨਾਵੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਰੁੱਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਲੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੀ ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਾਧ ਭਗਤ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਸੰਤ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਮੈਂ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸਲੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਪਖੰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਗਹਿਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਦੀ ਨਕਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਨਕਲ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲਿਖਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਡਬਲ MA ਨੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਭਾਵਪੂਰਤ ਕਹੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲਓ ਜੀ ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਧ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਲਿਓ
मेरे गुरु ग्रंथ साहब की गोद विच बैठ के शब्द ना क्या करो। पूछया जी क्यों, जदों असीं कहने आ कोई संत नहीं, कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं, कोई साध नहीं, कोई गुरमुख नहीं। उत्थे उन्हां उदाहरण दित्ती कि एक मास्टर, एक उस्ताद, एक टीचर क्लासरूम विच खलोता है, विद्यार्थी उस उस्ताद दे सामने बैठे ने, ते बाहरों आया बंदा कमरे विच प्रवेश करे ते आउंदिया सार क्लास विच खलो के ये कहन लग पवे कि इस क्लास का कोई भी विद्यार्थी लायक नहीं। कहंदे ने हो सकदा विद्यार्थियों नूं तां गल कुछ भी ना कहे पर पढ़ाण वाले दे पल्ले कुछ नहीं रह जांदा कि मैं सारे साल विच एक विद्यार्थी भी लायक नहीं पैदा कर सकिया। फिर बेनती मेरी समझियो, क्लास लगी है ते उस्ताद दे सामने खलो के शब्द कह देने कि इस क्लास का कोई भी विद्यार्थी लायक नहीं, बच्चियां ते शायद असर ना होवे पर उस्ताद दे मन नूं जरूर ठेस लगेगी कि मैं अपने समय विच एक विद्यार्थी भी लायक नहीं पैदा कर सकिया। कह लगे जे गुरु ग्रंथ साहब जुगो जुग अटल है ते कदी भुली ना, गुरु की हजूरी विच करनी वाले गुर सिख भी जुगो जुग अटल ही रहनगे। जे समरत गुरु है जिस को लहमतां वरदियां ने, उस गुरु की हजूरी विच करनी वाले भी अनेक मिलनगे। इत्थे एक अर्ज करां कि गुरु ग्रंथ साहब की बाणी ने संत नूं प्रवान कीता है, भगत नूं प्रवान कीता है, ब्रह्म ज्ञानी नूं प्रवान कीता है। आओ कुछ कु बाणी विचों आपां शब्दां दे दर्शन करिए। पखंड की गल भी रज के कीती पर नाल ये नहीं कहा हर बंदे लई तू शब्द पखंडी वरतन लग पवे। आसा की वार आप जी कीर्तन सरवण कर दिओ, मैं दो तुकां आप नाल सांझियां करां, उन्हां दो तुकां विचों गल स्पष्ट हो जाएगी कि प्यारिया पखंड दा भी बोलबाला है ते ये भी भुली ना कमाई वाले भी बैठे हुए। सतगुरु ने एक पासड़ गल नहीं कही, जदों असीं ये अमृत बचन पढ़ने हाँ कि अंदरों झूठे पैज बाहर, ये पखंड की परपंच की गल की कि अंदर झूठ है बाहर उन्होंने केवल विखाला विखावा बनाया। अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल, अड़सठ तीर्थ जे नहावें उतरै नाही मैल। ये स्पष्ट किया बाहरों भेख है अंदर कपट है, लोगों विच अपना परपंच चलाया ते अगली तुक नाल ही कह दिती मता समझे कि कमाई वाले कोई नहीं हुंदे। नहीं प्यारिया कि जिन पट अंदर बाहर गुदड़ ते भले संसार, जे पखंड की गल कीती ते नाल कमाई वालियां नूं अखां ओले नहीं खोण दिता। कहन लगे जिन पट अंदर, जिन्हां दे अंदर नाम दा रेशम है, बाहरों भावें लीरां पाई बैठे ने पर सच जानी वह खुदा दे नज़दीक ने। जिन पट अंदर बाहर गुदड़ ते भले संसार, तिन नेहों लगा रब छेती देखने विचार, रंग हसें रंग रोवें चुप पी कर जाहें, परवाह नाहीं किसै केरी बाज सच्चे ना। एक रब तो बिना उन्होंने किसी की परवाह नहीं। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विच ही असी भगत जी का जीवन पढ़ने हैं, भगत कबीर साहब जी उन्हां दा जीवन भी मैं शब्द अर्ज किए ने क्योंकि अपने जीवन नाल संबंधित भी उन्हां शब्द दर्ज किए। उन्हां बिल्कुल नहीं पढ़ता पाया, जे घर माई ने कलेश पाया तो भगत बाणी विच कह गए कि दुनिया के लोगो परमार्थ ते चलदिया जन्म देने वाली माँ भी रो सकती है। तो शब्द कह मुस मुस रोवै कबीर की माई, जे किते उच्ची जात वालिया ने विरोध किया तो उस भगत ने बाणी विच ये शब्द दर्ज कर दिते। कहन लगे कि तुम कत ब्राह्मण, हम कत सूद, हम कत लोहू, तुम कत दूध। पर उस महापुरश ने जदों संत की गल की तो इन्नी भावना नाल उन्हें शब्द वरते, कबीर संत की गैल ना छोड़िए मार्ग लागा जाऊं, रब की करनी वाला कोई मिल जाए उहदे मार्ग नूं छड्डी ना, उहदे रस्ते नूं छड्डी ना, क्योंकि उहदे दीदार कीतिआं तेरे अंदर नूं सकून मिलेगा ते जदों चार घड़ियां कोल बैठेगा उहदे अंदरों निकलदी कोई वाइब्रेशन उहदे अंदर दीआं तरंगा तैनूं वी नाम वाले पासे जोड़ देणगीआं। कबीर संत की गैल ना छोड़िए मार्ग लागा जाऊं, पेखत ही पुनीत होए भेटत जपिए नाउ। उन्हें बचन किया कहन लगे कबीर सेवा को दोए भले,
एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्त को संत जपावै नाम। उन्होंने अमृत बाणी विच कहा के मेरे मालक तू कृपा कर मेरी रब दे प्यारियां नाल निभ जाए ते जेड़े रब तो टुटे ने मेर करी मैनू उन्हां तो बचा के रखी। प्यारियो असी इस गल नू क्यों नहीं समझदे पे, रोज़ अरदास करने हैं, साडी अरदास दा ये अंग है कि सही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चेता वे। हुण सही प्यारे कौन ने कि वह प्यारे दुनिया ते खे नहीं जिन्हां नू रोज़ असी पुकार के कहने भलके उठ परहुणा मेरा घर आवो पाँव पखाला तिश के मन तन नित पावो, जिस बारे असी कहने साजना संत आओ मेरा आनंदा गुण गाए मंगल कसमला मिट जाहे प्रेरे। भगत कबीर साहब ने रब दे प्यारे संतां लिए शब्द वरते ते जदों किते टुटिया होया मिलिया ते उन्होंने इको गल करी, दुनिया दे लोगो जे अपने आत्मक जीवन नू बचाना चाहते हो ते टुटिया होया दे नेड़े ना बैठो। जे कोई कह लो जी दो घड़िया बैठन नाल की हुंदा है ते भगत साहब कहिंदे ने चिट्टे कपड़े पाए ने प्यारिया काले बर्तन नू पकड़ेगा जितना मर्जी बचा के रखी पर किते ना किते उस बर्तन ने तेरे ते कालक छाडी जानी है। रब दे प्यारियां पिछे तुरली कह लगे संत की गैल ना छोड़िए ते जदो टुटिया होया कोई मिलिया कह लगे कबीर साकत संग ना कीजिए दूरें जाइए भाग बासन कारो परसिया तौ किछ लागे दाग। उन्हें संत की गल की। हुण इत्थे एक अर्ज करां कि संत का जीवन की है। मैं आरंभ विच कहा कि मैं तो केवल व्याख्या कर जाँगा पर जिन्ना गुरमुखां ने कमाया है कदी अनुभवी तो कमाई वाले तो पुछ के देखो महापुरश का जीवन की है। गुरु ग्रंथ साहब के एक शब्द विच दाता जी ने संत की परिभाषा दिती है। वो बचन है कि आठ पहर निकट कर जाने संत होवे जड़ा अठे पैर एक खिन भी अपने साई नू अपने खिरदे तो दूर ना करे। प्रभ का किया मीठा माने ते जो साई करदा ओदे ते तर्क नहीं ओदे ते उलामे नहीं केवल साई दे कीते होए नू सत बचन करके मन लवे। कहन लगे प्रभ का किया मीठा माने हर वेले ओ प्रभु दी कीती कोई दात नू मिठिया समझे। आठ पैर निकट कर जाने प्रभ का किया मीठा माने एक नाम संतन आधार होए रह सब की पगसार संत रहत सुनो मेरे भाई उआ की महिमा कथन न जाई वर्तन जाके केवल नाम आनंद रूप कीर्तन विश्राम मित्र शत्र जाके एक समाने प्रभ अपने बिन अवर न जाने कोट कोट अग काटन हारा दुख दूर करन जी के दातारा। प्यारे सूर बीर बचन के बली कौला बपरी संती शली। ये रब दे प्यारे संत जन उन्हां दे लक्षण गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच दिते ने। देखो जिसने कमाई कीती वो इस मरतबे ते पहुंचे हां। जिस महापुरश दी याद विच आपां बैठे हां एक साल निरंतर भावां आप विचों कई सजना ने उन्हां दा जीवन पढ़िया है। संत बाबा अतर सिंह जी ते शब्द असी वरतने पया महापुरख। कई बार ये भी सवाल उठता है कि सारे बंदे इको जने विशेष महापुरख क्यों। एक प्रिंसीपल धर्मानंद सिंह जी होए ने शहीद सिख मिशनरी कॉलेज के प्रिंसीपल सन। उन्होंने महापुरख शब्द से एक लेख लिखिया। वो कहिंदे ने नहीं सारे इंसान इको जे नहीं। उन्होंने उत्थे कुछ उदाहरण दित्तियां ने। कहन लगे गुरु की बाणी पढ़न वाले हो एक ओ ने जेड़े पंजां तत्तां विच रह के रब दा रूप हो जांदे ने इंसान तो भगवान रूप हुंदे ने। एक ओ ने जेड़े इंसान तो खवान हो जांदे ने। कि इंसान तो खैवान ते इंसान तो भगवान होए विच अंतर ने। गुरु तेग बहादुर कृपालू जी दे कदी दो शलोक इकट्ठे पढ़ के देखो। साहब ने फरमाया कि जे घट सिमरन राम को जिस दे खिरदे विच घट विच प्रभु दा नाम टिक गया। जे घट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान ते नर हर अंतर नहीं नानक साची मान। हुण ते नर दे अर्थ असी मनुख करांगे ये नहीं कि अर्थ कोई होर किते जाणगे। जे घट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान ते नर हर अंतर नहीं नानक साची मान। उहदे विच ते रब विच अंतर नहीं। अगला श्लोक कदी पढ़ो। कहन लगे एक भगत भगवान
जे प्राणी कहे नाहे मन, एक घट विच सिमरन टिक जाए, वह इंसान तो भगवान का रूप है, तो दूसरे अंदर जे रब की भगती नहीं, तो गुरु ग्रंथ साहब फैसला पे करते ने एक भगत भगवान, जे प्राणी कह नाहे मन, जैसे सूकर स्वान नानक मानो ताहे तन। गल तन दी ते नर दी कीती खै, महापुरख की खै, वो उदाहरण देंदे ने कि साढ़े कोल खब्बा ते सज्जा दो हथ ने, कहिंदे ने एक हथ दे विच पकड़ी होवे सुगंधी ते दूजे हथ विच होवे दुर्गंधी। सुगंधी दी अपनी तसीर खै ते दुर्गंधी दा अपना सुभा खै। कहिंदे ने जिस हथ विच सुगंधी खै वह हथ लोगों नू कुदरती तौर ते अपने वल आकर्षित करेगा, ते जिस हथ विच दुर्गंधी खै वह आकर्षित करन दी थां लोगों नू अपने तो दूर करेगा। जिस कोल सुगंधी खै, सुगंधी वाले हथ नू लोग प्यार करनगे, ते जिहड़ा दुर्गंध हथ च पकड़ के बैठा कदी उस नू किसे ने प्यार करना। गुरमुखो, जिस करनी वाले दे अंदर नाम दा नापा खुल गया है, जिस दे अंदर नाम दी कस्तूरी दा नापा खुल गया है, ओदी सुगंधी लोकां नू अपने वल आकर्षित करेगी, ते जिहड़ा अंदर वकारां दी पोटली गंदी लै के बैठा होवे ओ कदी महापुरश नहीं, ओदा जीवन लोकां नू अपने तो दूर करेगा। दुर्गंधी लोकां नू फैलांदी ए, दूर करदी ए, ते सुगंधी अपने वल आकर्षित करदी है। बेनती मैं कर रहा कि जिस उत्ते गुरु की कृपा हो जाए, नाम अभ्यास करे। संत बाबा अतर सिंह जी, पूरा एक साल वैसाखी का दिन आया है, कनोए की धरती ने कमाई तो बिना सच्चे पातशाह जी दियां रहमतां किवें, पर वो कमाई करके भी ये नहीं कहिंदे घालना मेरी कमाई नूं भी वो गुरु की दित्ती कोई दात ही समझदे। ये नहीं कि मैं कमाई कीती। वैसाखी का दिन आया ते कनोहे दी धरती ते जिस परिवार नाल उन्हां दा अत दा नेह सी, कहन लगे चित कीता है कि गुरु कलगीधर खालसे दी परिभाषा दस के गए ने कि खालसा ओ वे जेड़ा जागदी जोत नूं जपदा है, ते नाल कहन लगे सतगुरु ए फुरमा के गए ने कि केवल जपदा नहीं, जपदियां जपदियां एक दिन ओदे अंदर जागत जोत जग पैंदी है। जिहड़ा असीं सवैया खालसे दी परिभाषा विच पढ़ने आ, वह जपण तो लै के जगण तक दी अवस्था है। आरंभता जोत नूं जपण तो है, ते संपूर्णता जगण ते है। कदी उस सवैये दीआं दो तुकां नूं पढ़ के देखिए, पहला बचन आउंदा जागत जोत जपै, इत्थे जगह नहीं केवल जपै। आम तौर ते कोई जोत बालदा है, उहनूं चाहीदा तेल, उहनूं चाहीदा बत्ती, उहनूं चाहीदी है दिया सलाई, पर जिदे अंदर रब दी जोत बलनी है, सच जाणो उहनूं केवल जबान तो जपण तो शुरुआत करनी पैगी। पहला जोत नूं जपिया, जपण वालियां दी हे अंदर जोग जगदी है, जिन्हें जपे ही नहीं ते सच जाणो उहदे अंदर जोत जगेगी किथे। मन विच आया कि कलगीधर प्रीतम कह के गए ने कि खालसा ओवे जिहड़ा जोत नूं जपदा है। प्यारे, असीं इन्हां तुकां ते जरूर जोर देने आ, ते चाहीदा भी है, इहदे च कोई शक नहीं। वर्त नहीं रखने, मड़ियां नहीं पूजनियां, देहधारियां दे मठ नहीं पूजने, ये चंगी गल है, पर मैं बेनती करा गुरमुखो, पहली तुक कदी ना भुल्यो, ये कहण तो पहला जागत जोत जपण वाले पासे तुरीए। साहब ने कहा जागत जोत जपै निसबासुर एक बिना मन नैक ना आने, पूर्ण प्रेम प्रतीत सजै व्रत गोर मड़ी मठ भूल ना माने, तीर्थ दान दया तब संयम एक बिना न एक पछाने, जपण तो शुरू होए ते जगण ते आ पहुँचे। कहन लगे पूर्ण जोत जगह घट में, इत्थे जपे नहीं। कहन लगे जिन्हू जपया वो अंदर जग पई, पूर्ण जोत जगह घट में तब खालस ताहे न खालस जाने। वो महापुरश मन च एक वलवला उठिया, रब ने मेर कीती कि हे सच्चे पातशाह, आप कह के गयो जागती जोत नू जपिए, ते अंदर जोत जगदी है। अपने अंदर दा फुरना दस दिता बाबा जी ने कि चित करदा है, गुरु कलगी वाला मेर करे, एक वैसाखी नू अंदर बैठना है, अगले साल वैसाखी नू बाहर निकलांगे, पूरा साल गुरु कलगी वाले दे चरण पकड़ने ने, मेरा दाता मेर करे,
ਉਹ ਜਗ ਦੀ ਕੋਈ ਜੋਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਗ ਪਵੇ। ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਦੇਖੋ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਥਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖਿੱਚ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨਾ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਮਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ, ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਢਾਈ ਅੱਖਰ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਪਰੇ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸਮਝਿਓ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਪਰੇ ਮੈਂ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਸੁਧਾ ਜੋ ਕੁਝ ਰਹਿਣਾ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਕੇਵਲ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਪਰੇ ਮੈਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਸੇ ਭਾਵਪੂਰਤ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਸਾਖੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਵੈਸਾਖੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹੋ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁੱਕ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਰਥ ਨਾ ਟੁਕਾਈਏ। ਦੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕੋਠੇ ਦੇ ਬਨੇਰੇ 'ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ, ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਬੀਰ ਮੁੱਲਾ ਮੁਨਾਰੇ ਕਿਆ ਚੜੈਂ, ਸਾਈ ਨਾ ਬਹਿਰਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਬਾਂਗ ਦੇ ਦਿਲ ਕੀ ਭੀਤਰ ਜੋਏ। ਤੂੰ ਉੱਚਾ ਖਲੋ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਾ ਪਿਆ, ਕੂਕਾਂ ਮਾਰਨਾ, ਰੱਬ ਕੋਈ ਬੋਲੈ, ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਬਾਂਗ ਦੇ ਦਿਲ ਕੀ ਭੀਤਰ ਜੋਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰੇ ਨਾ, ਕੇਵਲ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪੁਕਾਰਨ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਾ ਪਾਈ, ਜਿੰਨਾ ਕੂਕ ਸਕਣਾ ਰੱਜ ਕੇ ਕੂਕ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੂਕ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ। ਭਗਤ ਨੇ ਦੋ ਸ਼ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਮੁੱਲਾ ਮੁਨਾਰੇ ਕਿਹਾ ਚੜੈਂ, ਸਾਈ ਨਾ ਬਹਿਰਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਬਾਂਗ ਦੇ ਦਿਲ ਕੀ ਭੀਤਰ ਜੋਏ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਣ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਬੀਰ ਕੇਸੋ ਕੇਸੋ ਕੂਕੀਐ ਨਾ ਸੋਈਐ ਆਸਾਰ। ਕੂਕਣ ਦਾ ਅਰਥ ਅਤੇ ਬਾਂਗ ਦੇਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਪੁਕਾਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਿਆਖ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਕੇਸੋ ਕੇਸੋ ਕੂਕੀਐ ਨਾ ਸੋਈਐ ਆਸਾਰ, ਰਾਤ ਦਿਵਸ ਕੇ ਕੂਕਣੈ ਕਬੂ ਕ ਸੁਣੈ। ਪੁਕਾਰ ਕਦੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਆਸਣ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰੁਖਾਨੀਅਤ ਦੇ ਖੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿ ਪੂਰਬਲੀ ਕਮਾਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਖਿਨ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਚਿਨਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ ਕਿ ਮਸਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲਾਟ ਬਲ ਪੈ ਗਈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਹਿ ਸਦਕਾਂ। ਉਠਤ ਸੁਖੀਆਂ ਬੈਠਤ ਸੁਖੀਆਂ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਜੀ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, ਚੱਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਜਪਣੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਚੱਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਅਤੇ 50-50 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਆਹ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਚਮੜੇ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਕਦੀ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਘਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੁੱਧ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਮਾਨੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰਿਓ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਕੋਈ ਲਿਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾ ਦਈਏ, ਕਦੀ ਆਪਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਧ ਤਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ।
ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤਰਦਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਤਰਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ, ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਤੱਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਧ ਨਾ ਦੁੱਧ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਮਿਲ ਗਏ, ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਤਪਾਇਆ, ਤਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਗ ਲਾਈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਵਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਕਿ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਜਾਗ ਲਾਈ ਏ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਰੜਕਣਾ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨੇਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਤੱਤ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਾਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣ ਦਿਓ। ਟਿਕਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੀ ਜੰਮਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੀ ਮੱਖਣ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਗ ਲਾਈ, ਪਰਤ ਕੇ ਬਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ। ਸਿਆਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਣੀਆਂ ਗਰਮ ਕੱਪੜਾ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। 8 ਘੰਟੇ 9 ਘੰਟੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਭਾਂਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਤਰਲ ਸੀ ਉਹ ਜੰਮ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਧਾਣੀ ਪਾਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲਿਆ, ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ, ਆਖਰ ਮੱਖਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦੁੱਧ ਸੀ। ਰਾਤ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵੀ ਤਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਰਿੜਕ ਕੇ ਮੱਖਣ ਕੱਢਿਆ, ਮੱਖਣ ਦਾ ਪੇੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੱਬ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਮੱਖਣ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਤਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਮੱਖਣ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਕਸ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਤਰਨ ਲਈ ਜਾਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰਿੜਕਣ ਰਿੜਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਤੱਤ ਲੈ ਕੇ ਤਰਨ ਦੀ ਜਾ ਸਿੱਖਣੀ ਆ ਅਤੇ ਮਨਾ ਸੱਚ ਜਾਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਪਣ ਤੋਂ ਇਕਾਂਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਾਗਾ, ਲੋਗਨ ਸਿਉਂ ਮੇਰਾ ਠਾਠਾ ਬਾਗਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਵਰਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਕੀ ਬਾਤ ਸਗਲ ਸਿਉਂ ਕਰਤਾ, ਜੀ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਧਰਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ, ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਬਚਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਿਆ, ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆਏ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਵਾਸ ਇਹ ਵੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਨਹੀਂ, ਜਿਤਨੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸਮਝਿਓ। ਸਰੀਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਵਾਸ ਵੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਸਵਾਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਵਾਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਸਵਾਸ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮਨੂਏ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਇਹ ਕਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇਹ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਵਰਤਮਾਨ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਵਰਤਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਵਰਤਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਵੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਪਵੇ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਵਾਸ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਨ ਵੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੇ ਪੂਰਨ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵੀ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਕ ਚਿੱਤ ਜਾਂ ਇੱਕ ਛਿਨ ਧਿਆਇਓ, ਕਾਲ ਫਾਂਸ ਕੇ ਬੀਚ ਨਾ ਆਇਓ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ, ਮਨ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ,
ते जदों नाल दे नज़दीकी प्यारियां ने पूछा कि प्रसाद पानी बाणी सिमरन करन वालियां नूं पता है गुरमुखो दुनिया की भुख लगे ते कई वारी भुख दुख नूं जन्म देंदी है, जदों नाम की भुख लग जाए वह परम सुख नूं जन्म देंदी है। दुनिया का दुख दुनिया का भुख दुख विचों निकलदा है, दुख भुख इको जाए ने। बाबा जी ने जदों दुखां की गिनती की ते भुख नूं एक दुख मनिया ते बाणी विच शब्द भी कहे कहन लगे दुख विछोड़ा एक दुख भूख, भुख बड़ा वड्डा दुख है। हर भुखा बंदा भुखे का अर्थ समाजिक तौर पर काणी वंड करके नहीं, जिन्हों प्रशादा ना मिले पानी ना मिले खुराक ना मिले, हर भुखे बंदे दे अंदरों दुख पनपदा है। दुनिया की भुख दुख नूं जन्म देंदी है ते रब की लगी कोई भुख अंदर दे परम सुख नूं जन्म देंदी है। आपां बचन पढ़ने आ कि साचे नाम की लागै भूख उत भूखै खाए चलिए दुख। दुनिया की भुख दुख नूं जन्म देगी, सच्चे नाम की भुख ने प्यारियो अंदर दे सुख नूं जन्म दिता। महापुरश बैठे ने करदियां ने पुछया, परिवार के नज़दीकी गुरमुखां ने पुछया कि महाराज प्रसाद पाणी दा किवें, ते खस के कहा कि गुरु अमरदास दे रोज़ बचन पढ़ने आ कि साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया। इत्थे एक भुख नहीं, सब का मतलब है कोई भुख ऐसी नहीं जिन्हों नाम दूर नहीं करता। कहन लगे जिन भुखा सब गवाइया, तो कहन उन्होंने बड़ा सोहना अगो उत्तर दिता, कहिंदे एक काम करियो सवेरे थोड़ी जी दुध, शाम नूं शरदाई थोड़ी जी, केवल शरीर दे जीण वास्ते एक कौला सब्जी का रख देना, एक दातन रख देनी। तो चेते रखियो ये साल भर तुसी नेम निभाई जाना, बाकी अरदास करियो कि मेरा गुरु कलगी वाला मेहर करे, जो खालसे दी परिभाषा दिती है उस जोत नूं जप के मेरे अंदर जोत जग पवे। एक साल निरंतर एकांत विच बैठ के गुरु गुरु जपया है। तो प्यारियो संत जां साध, अज तो आप देखने कि चोला पाया बाणिया पाया चेले पिछे हो गए, चार दिन इश्तहार चंगे छप गए, संत जी बन गया नहीं। प्यारियो जेड़े कमाई वाले ने, कभी भाई गुरदास नूं पुछो कि कमाई वाला हर थां ते फिर प्रवान हुंदा है। एक कबित मैं जरूर नाल कहिंदा जावां, भाई गुरदास जी दे बचन ने, कहिंदे ने आपां सारे लोग अन्न खाने आ, कि कदी अन्न ने यह क्या है कि मैं पंजाब की धरती ते पैदा होया ते केवल मैं पंजाबियों की भुख नूं दूर करना है। कदी अमेरिका विच पैदा होई कणक ने यह क्या कि मैं केवल उत्थों दे लोगों की भुख दूर करनी है। भाई गुरदास ने तीन प्रमाण दिते ने कि संत की कमाई की है, संत की साधना की है, तो जिहड़ा वाकई इस पदवी ते गुरु ने बिठा दिता वह सारिया थावां ते प्रवान किवें है। पहला बचन भाई साहब ने किया, कह लगे आपां अन्न धरती विच बीजिया, मिट्टी ने उसना दाणियां नूं लुका लिया, उहदे विचों कोमल फसल पैदा हुई, कणक बीजी गई, सर्दी की रुत आई, कक्कर पिया, उस फसल ने अपने पिंडे उत्ते कक्कर नूं खंडाया। परत के समा आया, जदों पक्कण दा वेला आया, अत दी गर्मी पैन लगी, उन्हें गर्मी नूं भी उस फसल ने अपने तन ते खंडाया। धरती विच मिली सर्दी नूं खंडाया, गर्मी नूं खंडाया, जदों फसल पक्की ते जिमीदार दातरी नाल कट के लै गए, उस फसल नूं गाया गया, उहदे विचों दाणे कढ के चक्की विच पी के आटा तैयार कीता, उस आटे नूं गुन के अग उत्ते तपा के प्रसाद पाणी तैयार कीता गया, ते जदों उह फुलका बन के एक ग्राही तोड़ के मूँह विच पाई पेट विच गई, ते उस पक्के होए अन्न ने हर बंदे दी भुख दूर कीती जिसने भी उस अन्न नूं वरतिया। कहन लगे प्यारिया अन्न कदी नहीं देखदा ए गोरा ए काला ए पंजाबी ए हिंदू ए सिख ए मुसलमान, अन्न जिदे मूँह भी चला जाए उहदी भुख दूर करदा है। ते कमाई वाला संत अन्न दी तरह अपनी घालना घालदा है, ते जिथे भी बह जाए उत्थे लोगों नूं आत्मक सुख दिंदा, उहदे कोलों हर एक नूं सुख मिलना है। कोई ऐसा नहीं जिन्हों सुख ना मिले। भाई साहब ने पहली तो कही, कह लगे जैसे तो अनाद आद अंत पर्यंत हंत, जिमें एक अन्न का दाना आद तो लैके
अंत तक केवल तो केवल घालना घाली जाता है। प्यारे जिदन घालना मुकम्मल होंगी है उदन सारे लोगों के अंदर का सुख बन जाता है। जैसे तो अनाद आदि अंत पर्यंत हंत सकल संसार को आधार पयो ताही सह। ते अगला बचन उन्हें किया कमाई करके अन्न प्रवान होया। कहिंदे आपां तन ते कपड़े लए ने, सर्दी तो कपड़ा बचांदा है, गर्मी तो कपड़ा बचांदा है, पर इस कपड़े की दास्तान पुछ के देखो लोकां दी पत ढकण वालिया तेरी कमाई की है। कपड़े दियां तंदां बोल के दस दियां ने कि कदी वड़ेवां रूप हो के धरती विच मिलिया सां, बूटे का रूप धारण होया ते खिड़िया, मैनू खिड़न तो बाद चुन के लिया के वेलने विच वेलिया, रूह पिंजणी विच पिंजिया, पिंजण तो बाद कत्तिया, कत्तण तो बाद मैनू उणिया, उण तो बाद मैनू कट्टिया, कट्टण तो बाद मैनू रंग चाड़िया। भलिया मैं लोकां दी जे पत ढकना, इन्नी कमाई करके पत ढकी गई है, सच जानी उस तरह मैं किसी की पत ढकी नहीं सी सकनी, मेरी कमाई करके ढकी गई। भाई साहब कहिंदे ने जिवें कपाह बिना किसी उजर तो इन्नी घालना करे तो हर एक दी पत ढक दीए। कदी गर्म कपड़े ने कहा है कि ये पापी है, मैं इहदी ठंड दूर नहीं करनी। कदी पतले बस्तरा ने कहा है कि यह बंदा पुनी है, मैं इहदे उत्ते पै के इहनूं सुख नहीं देना, मैं इहदे तन ते पहनिया जा के सुख नहीं देना। कपड़ा बिना वितकरे तो सर्दी गर्मी तो लोगों नूं बचांदा है, ते कपाह दी तरह जिहड़ा महापुरश कमाई वाले पासे तुरदा है असी वितकरे विच होवांगे। सच जाणो जिहड़ा उहदे कोल आ गया वह कपड़े की तरह हर एक की पत टक लैंदा, उहदी कमाई है। तीसरी उदाहरण मैं अर्ज करनी चाहना, तुसीं एकाग्रता थोड़ी जी बख्शो। हुण पानी है, पानी जदों पहाड़ विचों निकलिया है उहदी अपनी कमाई नूं तुसीं झाती मारो, जां समुंदर विचों निकलिया है। इत्थे एक मैं उदाहरण होर अर्ज करदे आं, भावें ये अनमत दे ग्रंथ विचों वे पर मर्यादा विच है कि गुरमत की गल दृढ़ करांदिआं किसे ग्रंथ दे हवाले दित्ते जा सकदे ने। तुलसी नूं किसे पुछिआ सी कि रब दे संत जनां दा योगदान की है, उहने दो उदाहरणां दित्तियां। कहिंदा समुंदर दा पाणी खारा है, ते जेकर कोई बंदा सिद्धा जा के समुंदर दे पाणी दी बुक भर के पीए ते सच जानी उस पानी नू पीण तो बाद उहदी प्यास नहीं मिटेगी। कुछ दिन पीएगा ते शरीर खुरना शुरू हो जाएगा, हड्डियां खुरनगियां। कहिंदे ने इही समुंदर दा पानी बदल बन के पहाड़ां ते वरसदा है, ते उस पानी दी बुख कोई पींदा है ते अंदर नू शीतलता मिलदी है। कहन लगे संत तां बदल दी तरह है, जिस कमाई नूं तू अलूणी सिल कहिंदा है सच जानी वह बदल बन के तेनों औखी कमाई भी मिठी करके कमाण दी जाच दस दिंदा। संत बदल दी तरह है कि समुंदर दे खारे पानी नूं बदल मिठिया पिया करदा है, ते जे तू कह बड़ी औखी घाटी है ते बाबा जी ने बाणी विच कहा, कहन लगे साध कै संग नहीं किछ कहां, क्योंकि उहदी अपनी कमाई करके तेनों जीवन पिया देंदा है। पानी निवान नू चलदा है, पानी अंदर निर्मलताई है। तो भाई साहब भाई गुरदास कहिंदे ने पानी सारियां ने प्रवान कर लिया, जे पशु ने पानी पीता प्यास उहदी भी बुझी, जे पंछी ने पानी दियां दो बूंदा चुंज विच लईयां प्यास उहदी भी बुझी, ते जे मनुख ने पानी पीता प्यास उहदी भी बुझी। अन्न सारियां थावां ते प्रवान है, इस करके क्योंकि अन्न दी कमाई है। कपड़ा सारियां दी पत ढकदा है क्योंकि उहदी कमाई है। पानी ने सफर कीता है, हर एक दी प्यास बुझांदा है, उहदी कमाई है। ते जदों फिर इहो जिहा करनी वाला घालना घालन लग पवे, कहण दी लोड़ नहीं, एक दिन सारी मनुखता खलो के कहिंदी है रब दे प्यारिया तू साडी अगवाई कर ते सानू रब दे घर तक लै जा। उह सर्व प्रवानत हुंदा है। भाई साहिब दा कवित है जैसे तो अनाद आद अंत पर्यंत हंत सकल संसार को आधार पयो ताही सह। जैसे तो कपास त्रास देतना उसास काढ़े जगत की ओट पै अंबर दिवाही सह। जैसे आपा खोए जल मिला सब वर्ण में खग मृग मानस तृप्त गत ताही सह। एवें साध नहीं बनते प्यारे, तैसे मन साध 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 ना कह साध भय।
मन नू साध साध के मन नू ठोकरा मार के तैसे मन साध साध साधना के साध पे सगल संसार को उधार अगवाही से एको जे प्यारे जदो तुरदे ने से समझ संसार दा भला कर दे ने। आओ गुरु कृपा करे उस महापुरुष ने एक वैसाखी पहला बैठे ने पूरा साल गुरु गुरु जपया है ते जिस दिन साल बाद उन्हां ने किवाड़ खोलिया शरीर वेखन नू लगदा सी अत दा कमजोर है चेहरा नेत्र ते मुख बोल के कहिंदा पिया सी कि बाबा अतर सिंह जी दे अंदर वो जोत जग पई जिस जोत नू पूरा साल जपया है जपया ते तां वो जोत जगी वह नेत्रां विचों वह रसना विचों सारी जिंदगी उन्होंने अमृत प्रचार किया। रब की इन्नी कु रहमत संगत नू गुरु शब्द नाल जोड़ना उस प्यारे दे चरना भी जोड़ना गुरमुखो एको जै महापुरुष संसार ते आउंदे ने केवल भुले भटकियां नू मार्ग पाण लई। गुरमत विच एक अर्ज मैं कर दिया कि जेड़ा बंदा गुरु ग्रंथ साहिब तो तोड़ के हर थां ते अपनी ही खौमे दा प्रगटावा करदा है सिख उहदे तो सुचेत रहे। उन्हां नू बाबा जी ने बाणी विच एक बचन कहा है कि गज साढ़े तै तै धोतियां। हुण असीं कहांगे जी धोतियां वाले तां बनारस ते मैनू खिमा करियो इत्थे लम्मे चोले हो सकदे ने पर इह कदी भुल्लियो ना कि उहदे विच कमाई वाले भी ने। उत्थे कहा गज साढ़े तै तै धोतियां ते उही भगत कह रहा है जिहड़ा कहिंदा सी रब दे लोको संतां नू ना निंदो संत ते रब इको ने संतां को मत कोई निंदो संत राम है एको। ते जदो पखंडी मिलिया उस महापुरश दे अंदर सच दी चिनिक निकली ते जदो कहा कबीर जी तुसीं तां संत सेवी हो कह लगे नहीं प्यारिया ऐसे संत ना मोको पावें। कैसे गज साढ़े तै तै धोतियां तेरे पायन तग गली जिना जप मालियां लोते हथ नबग ओए हर के संत ना आखियां बाह नारस के ठग। मेरे कलगी वाले ने कहा काहे रे डिंब करै मन मूर्ख डिंब करै अपनी पत खवै है काहे को लोग ठगै ठग लोगन लोक गयो पर लोक गवै है दीन दयाल की ठौर जहां तै ठौर भुखे तो ठौर ना ऐ है। पखंड ना कर अपने अंदरों गुरु गुरु जप। जिस महापुरश ने कमाई वाला पासा चुनिया जितना मर्जी कोई लोग निंदिया करन हुण गुलाब दे फुल दे चार चफेरे परदे करी जाओ चार चफेरे दीवारा खड़िया कर दिओ किन्नी कु देर तक भवरे नू रोक के लखोगे नहीं वह परदिया नू टप के भी फुल दी सुगंधी लैण जरूर आवेगा। जिस गुरमुख दे अंदर गुरु दा बख्शिया होया नाम दा कमल खिल गया है प्यारियो सारा संसार उहदे सामने आ चुकदा है। अखीर ते मैं ये जरूर अर्ज करनी चाहगा आप बहुतात विच ओ सत संगी हो जेड़े नाम अभ्यासी हो सिमरन करन वाले हो सत्कार योग गुरमुख प्यारे भाई साहब जी होनी जेड़े आप नाम जपदे ने पता नहीं किन्ने कु लोक ने किन्ने कु मनुख ने किन्ने कु सिख ने। मैं शब्द तीन वरते ने मनुख अजे सिखी वल तर तुरदे पए ने जिन्हां तों भाई साहब ने कीर्तन राही बचना राही ते केवल कीर्तन ते बचन नहीं अपने जीवन नू कमाए हुए जीवन दियां तरंगां राही भी लोकां दे जीवन पलट दिते। एक सिख दा जीवन बन जाए ते कलगी वाला झोलियां रहमत नाल भर दिंदा है ते जिस गुरमुख दी करनी पिछे हजारां दे जीवन पलट जाण मेरे कलगी वाले दी किन्नी कु रहमत होवेगी। सच्चा पातशाह मेहर करे कि सानू सारियां नू शब्द दी कमाई बख्शे तां जो असीं इस समागम विच आए हाँ कमाई करिए जिन्हां अमृत दी दात नहीं लई अमृत छकीए अभ्यास ना छड्डियो प्यारियो सिमरन वाला पासा कदी ढिल्ला ना पैण दईए बहिंदियां उठदियां वी एकांत विच रोज़ नेम नभाया करिए। इन्नियां कु बेनतियां प्रवान करनियां तीन दिन आप संगत दी सेवा कीती खैं भावां सत्कारयोग भाई साहिब दा हुक्म सी पंज दिन दास ने बाहर चले जाना है कल इस करके तीन दिन की हाजरी प्रवान करियो जी। सतगुरु मेहर करे फिर सबब बनिया आप संगतां दे चरण परसांगा पर एक बेनती करियो सच्चे पातशाह जो तेरी हजूरी विच बाहां उलार के कहने आ किनका मात्र कमान नू दे दे।
थोड़ा जिहा किते जीवन विच ढाल लईए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह।